हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नागपुर से शिरडी पदयात्रा निकली। रविवार को वाड़ी में साई यात्रा का आगमन होते ही अमरावती राजमार्ग वाड़ी नाका नंबर 10 से दत्तवाड़ी डिफेंस गेट तक पालखी का भव्य स्वागत किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नागपुर से शिरडी पदयात्रा निकली। रविवार को वाड़ी में साई यात्रा का आगमन होते ही अमरावती राजमार्ग वाड़ी नाका 10 से दत्तवाड़ी डिफेंस गेट तक पालखी का भव्य स्वागत किया गया था। श्री शिरडी साई द्वारका माई पदयात्रा सेवा समिति नागपुर ने पालखी का आयोजन किया। पालखी पिछले 16 साल से हर साल नागपुर से शिरडी पैदल जाती है। पालखी में 250 के करीब महिला पुरुष ने हिस्सा लिया। वाड़ी में जगह जगह पालखी के भक्तों को नाश्ता पानी आइसक्रीम बांटी गई। सब्जी मंडी में सामाजिक कार्यकर्ता योगेश सरडे गणेश नितनवरे इन्होंने साई भक्तों को बिस्किट व आइसक्रीम वितरित किए। ओम साईराम ग्रुप की ओर से मट्ठा का वितरण हर वर्ष किया जाता है। साई भक्त संस्था अध्यक्ष राजेश बागड़े ने वाड़ी में भक्तों को साई शाल भेंट की। पालखी रविवार 8 मार्च से प्रारंभ हुई, 2 मार्च को रामनवमी के दिन शिरडी में पहुंचेगी। साई दरबार में सभी भक्त पूजा अर्चना करेंगे। यह यात्रा 25 दिन की होगी। लौटते समय सभी भक्त बस या ट्रेन से 5 अप्रैल को नागपुर पालखी का आगमन होगा। यहीं पर पालखी समाप्त होने की जानकारी अध्यक्ष राजेश बागड़े, उपाध्यक्ष रविंद्र देशमुख, सचिव सुजीत बारस्कर, मधुकर भागे, प्रमोद कोरमकर, विजय मौर्य, विठल रामेकर, मंगेश भगत, लोकेश बोबड़े पालखी में शरीक हुए। रविवार को पालखी डिफेंस स्थित साई मंदिर में शाम 8 बजे के करीब पहुंची। मंदिर के संचालक प्रमुख ताजने महाराज ने पालखी का स्वागत किया। मंदिर पहुंचने के बाद भजन संध्या के आयोजन के साथ साथ रात्रि का भोज सभी भक्तों को दिया गया। 1300 से अधिक भक्तों ने महाप्रसाद का लाभ लिया। उसके बाद विश्रांति की आशीर्वादी के लिए पालखी रवाना हुई। ओम साईराम ग्रुप के दत्तवाड़ी के गणेश चोपड़े, चंदूर वैद्य, नटवर अबोटी, राजेश रात्रे, ऋषिकेश अकेला, कल्पना निम्बोलकर ने पालखी का भव्य स्वागत किया। श्री शिरडी साई द्वारका माई पदयात्रा सेवा समिति नागपुर द्वारा आयोजित नागपुर ते शिरडी पदयात्रा 16वे वर्ष आहे। आणि आधी सुरुवातीला आमचे बनसोडे गुरुजी होते, त्यांनी 2 माणसापासून सुरुवात केली। तहाचा एक एवढा वटवृक्ष झालेला आहे। आणि आज सकाळी अयोध्यानगर साई मंदिरातून 7 वाजता पालखी प्रस्थान झालेली आहे। आणि त्याच्यामध्ये हजारोच्या संख्येने लोक सकाळी उपस्थित होते आणि सगळ्यांनी दर्शनाचा लाभ घेतला। आणि नागपूर ते शिर्डी हे साईगंगा शिर्डीपर्यंत हे प्रवाहित होणार आहे। याच्यामध्ये प्रत्येक गाव, खेडे, शहरं याच्यातले लाखो भक्त रोज ह्या साई गंगेमध्ये डुबकी मारून स्वतःला पावन करून घेत आहे। आणि ही यात्रा अशीच अखंड अविरत सुरू राहो म्हणून आमचे जे कार्यकर्ते आहे सगळे, त्यांचं हे सगळं वर्षभर जे वाट पाहत असतात सगळे लोक का बाबांची पालखी केव्हा येईल, आणि जे कार्यकर्ते जे आमचे जे आहे सगळे साई सेवक, साई भक्त आणि सेवाधारी आहे, यांच्या सगळ्यांच्या त्या सहकार्याने ही पदयात्रा अखंडित आणि साईराम दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा जी अयोध्यानगरची पालखी जी शिर्डीला सतत पदयात्रा करत निघत असते दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा आमच्या ओम साईराम ग्रुपतर्फे या सर्व भाविकांचं आमचा दत्तवाडी परिसरामध्ये डिफेन्स गेटच्या गेट नंबर 1 पुढे त्या भाविकांचं सर्व साईभक्तातर्फे एक छोटंसं स्वागत समारंभ हे केला आहे। त्यात आरती आणि मठाचा जो एक प्रसाद असतो त्या सर्व भक्तांना दिलेला आहे। कुणी जी शिर्डीला जाऊ शकत नाही ते सर्व या साई पालखीच्या दरम्यान साई या सर्व साईभक्तांचा साईभक्तांनाच आपला निरोप आणि साईभक्तांचं साईभक्तांजवळच आपली श्रद्धा शिर्डीला अर्पण करतात। त्यामुळे सर्व भक्तजण इथे जमा होतात। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा सर्व साईभक्तांनी माझ्या सर्व मित्रांनी इथे कालपासून इथे आतुरतेने त्यांची वाट पाहत सर्वांनी खूप जास्त सहकार्य केलेलं आहे। त्याबद्दल त्या सर्व साईभक्तांचं मी मनस्वी खूप मनोपूर्वक खूप खूप आभार मानतो। एक BCN के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।